लोकसभा चुनाव 2024 में कई सीटों पर हुए चुनाव में मतदान प्रतिशत कम रहने पर वैशाली के राजद प्रत्याशी विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार यदि अच्छा काम कर रही है तो फिर मतदाता वोट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों मतदान प्रतिशत कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के कामों से कहीं ना कहीं जनता नाखुश है, जिसका परिणाम है कि मतदाता मतदान करने में अपनी जागरूकता नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर आम जनता महंगाई और झांसेबाजी से परेशान है, वहीं दूसरी ओर युवा वर्ग बेरोजगारी और अग्निवीर जैसी योजनाओं से नाखुश है, जिसका परिणाम है कि जनता वोट ही नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि जहां सरकार अच्छे काम करती है, वहां वोटर में वोट करने के प्रति जागरूकता देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि वोट होने पर खुद नीतीश कुमार को चिंता सताने लगी है, खुद नीतीश कुमार बैठक बुलाकर इस विषय पर मंथन करने में जुटे हैं। दरअसल वैशाली से राजद प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला अपने पड़ोसी हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से राजद प्रत्याशी शिवचंद्र राम के पक्ष में अपने वोटर और सपोर्टर को गोलबंद करने के लिए कार्यकर्ता बैठक किए। इस दौरान सरकार के क्रियाकलापों पर जमकर सवाल करते नजर आए। एक प्रधानमंत्री कैंडिडेट को लेकर वो सवाल करते हैं कि हमारे तो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट तय है, हमारा तो महागठबंधन है, महागठबंधन तय करेंगे, जिस समय हम लोग को बहुमत मिलेगा प्रधानमंत्री का भी तय हो जाएगा। ये कौन बात आप बोल रहे, ये कौन कहां से ले आया? कुछ लोग कह रहे हैं कि चौपर एक बार उतरेगा तो फिर सारा समीकरण बिगड़ जाएगा। अब तो देखना है तो रिजल्ट 4 तारीख को आएगा। चौपर तो इससे पहले 102 सीट पर चुनाव हो चुका, दूसरे फेज में 85 सीट पर चुनाव हो चुका, तो वहाँ चौपर काम नहीं किया, चाहे वहाँ चौपर नहीं उतरा था, वहाँ कोई लैंड रजिस्ट्रेशन किया था क्या? तो वहाँ भी होना चाहिए था, वहाँ 4-8% वोट क्यों कम हुआ? आज इतना बड़ा वोट परसेंटेज कम जो है यहाँ जो बिहार में नीतीश कुमार चिंतित होगा, तो वो वोट हम लोगों का नहीं है, वो वोट कौन है? वो बेरोजगार नौजवानों का वोट है, वो किसानों का वोट है, वो महंगाई का वोट है, वो GST का वोट है, जो बिक रहा है देश उसका वोट है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था बचाने का वोट है, वो संविधान बचाने का वोट है।